दोस्तों एड्रेस पता करते करते मैं आ गया हूँ मनोज सर के घर के पास, और घर के बाहर में खड़ा हूँ और गेट पे लिखा हुआ है विदाउट परमिशन, वो अंदर आना मना है, हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पे, आप ये देख सकते हो। पर अब मैं कोई आता है जैसे ये अंदर से बाहर से घर से लैपटॉप मंगा के सब कुछ इसका सॉल्व कर दिया है। हाँ तो काफ़ी अच्छा व्यवहार है, फोटो भी लिया हमने और इसका गाड़ी ये और ये देखो ये दोस्तों पिछले वीडियो में मैं पानीपत से धनबाद गया था और आज के इस वीडियो में धनबाद रेलवे स्टेशन से मैं जाऊंगा मनोज डे सर का घर। दोस्तों धनबाद रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के बाद एक नंबर प्लेटफॉर्म से आपको बाहर निकलना है, बाहर निकलते ही आपको ऑटो पकड़ना है बलिया वो गोविंदपुर के लिए। आपको गोविंदपुर के लिए ऑटो पकड़ने के बाद फिर आपको गोविंदपुर से पकड़ना है बलियापुर के लिए। बाकी वीडियो में देखते रहें, मैं जैसे जैसे जा रहा हूँ वैसे वैसे साथ में एड्रेस भी मैं बताता जा रहा हूँ। धनबाद रेलवे स्टेशन से मैं ऑटो पकड़ के जा रहा हूँ गोविंदपुर। गोविंदपुर जाने के बाद वहाँ पे बलियापुर के लिए मैं ऑटो पकड़ूंगा, उसके बाद उसका एड्रेस जैसे पता लगता है मनोज डे के घर का पता जैसे लगता है वैसे मैं वीडियो के माध्यम से आपको मैं इन्फॉर्म करता रहूँगा। दोस्तों जब आप धनबाद से गोविंदपुर जाओगे तो आपको रास्ते में ये पेट्रोल पंप भी मिलेगा। दोस्तों मैंने वीडियो में इसलिए दिखा दिया है ताकि आप जाओ तो आपको लगे कि हाँ मैं सही रास्ते से जा रहा हूँ। तो धनबाद स्टेशन से ऑटो पकड़ के मैं आया हूँ गोविंदपुर, और गोविंदपुर से अब मैं ऑटो पकड़ूंगा बलियापुर के लिए। यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ ताकि अगर आप आओ तो थोड़ा हेल्प हो सके। ये बोर्ड लगा हुआ है, ये देखो बलियापुर लिखा हुआ है, यहाँ के लिए गाड़ी मुझे पकड़ना है। और ये हाईवे है यहाँ पे। धनबाद रेलवे स्टेशन से गोविंदपुर में आ गया हूँ ऑटो पकड़कर, और अब यहाँ से कई लोगों से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि बलियापुर के लिए आगे टेम्पू मिलेगा, तो मैं वहाँ के लिए मैं टेम्पू पकड़ने के लिए आगे जा रहा हूँ। और बाकी वीडियो में आपको सब कुछ मिलता रहेगा, तो बने रहे वीडियो में। दोस्तों अब मैं गोविंदपुर से बलियापुर जा रहा हूँ। दोस्तों एड्रेस पता करते करते मैं आ गया हूँ मनोज सर के घर के पास, और घर के बाहर में खड़ा हूँ और गेट पे लिखा हुआ है विदाउट परमिशन, वो अंदर आना मना है, हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पे, आप ये देख सकते हो। पर अब मैं कोई आता है जैसे ये अंदर से कोई, तब मैं जाऊँगा। हेलो गाइज, ये पानीपत से मैं आ रहा था धनबाद, और धनबाद आने के बाद मनोज डे भैया का घर का एड्रेस पता करते करते फाइनली मैं मनोज डे सर का घर पे मैं पहुँच ही गया। अभी मैं जस्ट उनके घर के बाहर खड़ा हूँ, और ये देखो ये भैया है, कहाँ से है भैया? आसाम से है ग्वालपाड़ा। देखो भैया ये आसाम से आए हुए हैं, इनसे ही मिलने के लिए आए थे। हाँ। और मिल लिए, हमारी अच्छी खासी बातचीत हुई, जो मेरी प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व कर दी है। बाहर से घर से लैपटॉप मंगा के सब कुछ इसका सॉल्व कर दिया है। हाँ तो काफी अच्छा व्यवहार है, फोटो भी लिया हमने और इसका गाड़ी ये। और ये देखो ये टाटा हैरियर है ना? हाँ टाटा हैरियर। ये देखो मनोज से भैया के घर, ये है गाड़ी है 25 लाख की गाड़ी उन्होंने यूट्यूब के मनी से लिया। और यूट्यूब के मनी से अभी जो घर लिया है उसमें हम जाएंगे, देखेंगे कितना बड़ा है। बहुत अच्छा लगता है, नेचर बहुत अच्छा है। दोस्तों एड्रेस पता करते करते मैं मनोज डे सर का घर पहुंच गया था, और आप कैसे पहुंच सकते हो वो मैं एड्रेस बता देता हूँ, बिल्कुल बढ़िया तरीके से बताऊंगा। दोस्तों देखो आपको धनबाद रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद एक नंबर प्लेटफॉर्म से बाहर उतरना है, बाहर उतरने के बाद बहुत सारे आपको ऑटो वाले मिल जाएंगे। ऑटो वालों को बोलना मुझे जाना है गोविंदपुर, तो धनबाद से गोविंदपुर जाना, गोविंदपुर उतरने के बाद आप फिर वहां से ऑटो पकड़ना बलियापुर के लिए ऑटो पकड़ना है। बलियापुर पहुंचने के बाद फिर वहां से थोड़े आगे जाना है, और आगे जाओगे ना तो आपको कुसमाटार के लिए बस मिलेगा। देखो मैं बस से गया था, आपको बस मिले, टेम्पू मिले, जो भी वाहन मिले उससे आपको चला जाना है कुसमाटार गांव में। वो कुसमाटार जो गांव है ना वही मनोज डे सर का गांव है, और आपको कहना है ऑटो या बस वाले से कि मुझे कुसमाटार मोड़ पे उतार दो। कुसमाटार मोड़ पे उतार देगा, वहां पे आप किसी से पूछ लेना कि मनोज डे सर का घर किस साइड है। कई से पूछोगे तो आपको पता चल जाएगा, कई लोग बता देंगे क्योंकि जानते हैं लोग। और देखो गूगल पे अगर आप सर्च करोगे ना तो कुसमाटार गांव नहीं आएगा, वो कुसमा टंड करके आएगा। तो आपको मैंने एड्रेस बता दिया है, आप जा सकते हो, कुसमाटार नाम से उनका गांव है।